بسم الله الرحمن الرحيم और भाई आजकल जिक्र की एक बहुत बड़ी फजीलत और जिक्र का बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि इसके जरिए अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी और उसके गुस्से गजब और उसके अदाब से महफूज रहने का ये रास्ता है, एक हिफाजत है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इस जिक्र से। खासतौर पर जब कोई अमूमी मसाइब आ रहे हों, अमूमी तौर पर मुसलमान मुश्किलात का शिकार हो, फितनों में मुब्तला हो, तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा रुजू करना चाहिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ, अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र की तरफ, उससे इस्तग़फार इस्तआज़े की तरफ। अब आजकल के जैसे हालात हैं हमारे मुल्क में, जिस किस्म के हालात पैदा हुए हैं, और मुल्क में क्या पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में जिस तरह दुश्मनों का तसल्लुत है और पूरा आलम इस्लाम दुश्मनों के नरगे में है, उससे कौन मुसलमान है कि जिसका दिल बेचैन ना हो। सब परेशान है क्या हो रहा है और किस तरह मुसलमानों के ऊपर मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं, खाना जंगी हो रही है, कितने लोगों की जाने जा रही हैं, कितने लोग खानमा बर्बाद हुए हुए हैं, कितने लोग मसाइब और मुसीबतों का शिकार हैं, और उम्मीद की कोई बुरे नजर नहीं आती। इस सूरत हाल में सिवाय अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू के कोई और पनाह नहीं। हमारे हजरत हजरत आरिफी कदर सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात बुलंद फरमाए फरमाया करते थे कि ऐसे मौके पर जबकि मुसलमान आम मुसीबतों का शिकार हो, तो बकसरत लोग ये करते हैं कि बैठे हुए तब से नहीं करते ना, ये हो गया वो हो गया, फलाने ये कर दिया फलाने ये कर दिया, तबसरे लंबे चौड़े तबसरों में बस मसरूफ है, और हालात की खराबी का शिकवा हो रहा है, उसके असबाब के ऊपर बहस हो रही है, और उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, सारा वक्त इसी में गुजर रहा है। तो हमारे हजरत फरमाते थे कि भला बताओ ये सारे पैसे करके और तबसरे करके और मजलिसें जमाकर क्या फायदा तुमने हासिल किया, और इस मुसीबत को दूर करने का कौन सा रास्ता तुमने तलाश कर लिया इस सारे बहस मुबाहसे में और सारे तबसरों के अंदर। कुछ भी हासिल नहीं सिवाय इसके कि इसमें बाद औकात तबसरों के नतीजे में बाद औकात गीबतें हो जाती हैं, इफ्तरा हो जाता है, बोहतान लग जाता है किसी के ऊपर बिला वजह, अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं ऐसे मौके पर, फला जगह ये हुआ था फला जगह ये हुआ था फला ने ये किया था फला ने ये किया था, ये अफवाहें फैलती रहती है, और जब मजलिस जमती है तबसरे होते हैं तो उसमें उन अफवाहों को दोहराया जाता है और उसके बगैर तहकीक के बातें होती हैं, तो उसमें अंदेशा है झूठ का भी, गीबत का भी, बोहतान का भी, और ये सारी चीजें वो है जो अल्लाह तबारक व ताला के गजब को दावत देने वाली। तो बजाय इसके कि इन तबसरों से और इन बातों से कोई फायदा पहुंचे, उल्टा नुकसान होने का अंदेशा है, दीनी नुकसान भी और दुनियावी नुकसान। और हमारे हजरत वाला अल्लाह ताला उनके दर्जात पर फरमाया करते थे इतना ही वक्त मियां तुमने अल्लाह ताला से रुजू करके गुजार लिया होता, बैठ के अल्लाह ताला के हुजूर मांग लिया होता कि या अल्लाह इस मुश्किलात का हम शिकार हैं, या अल्लाह अपने फजल करम से इनको हमसे दूर फरमा दीजिए, तौबा कर ली होती, इस्तग़फार कर लिया होता, क्योंकि कुरान करीम फरमाता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो मुसीबत भी तुम्हें पहुंचती है खुद तुम्हारे हाथों के अपने करतूत की वजह से होती है। तो इस्तग़फार किया होता, तौबा की होती, अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर गिड़गिड़ाए होते कि या अल्लाह हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अपनी रहमत से मुसीबत हम पर हमसे दूर फरमा दीजिए, इसको अपने गजब को हमसे टला दीजिए, अपने अदाब को हमसे दूर फरमा दीजिए, ये दुआ की होती सिद्ध के दिल के साथ, शायद
अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से इस मुसीबत से नजात देते, कुछ कम से कम कुछ फायदा तो होता। और ये फायदा तो नक्द है ही कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू की तौफीक हो गई, जिक्र से, दुआ से, तौबा से, इस्तिग़फ़ार से, ये बताते खुद फायदा ही फायदा है। और अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो इससे कुछ बाइस नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला इस अज़ाब को भी रफा फरमा दे हमसे। लेकिन अफसोस यह है कि जब इस किस्म के हालात पेश आते हैं तो रुख इस तरफ नहीं मुड़ता, अल्लाह ताला की तरफ से रुजू करने का की तरफ रुख नहीं मुड़ता, बल्कि ऐसी फजूल मशगलों में वक्त गुजार दिया जाता है। तो भाई आज फिर हम जिन हालात से दो चार हैं, गिरफ्तार हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमारे शामत आमाल को दूर फरमा दे, हमारे गुनाहों की मगफरत फरमा दे, इस बला को हम पे टाल दे। इसके लिए जरूरत है कि हर मुसलमान जो बेचैन है सिर्फ बेचैनी का इजहार न करे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, अल्लाह ताला से मांगता रहे, दुआएं मांगे, तौबा करे, इस्तिगफार करे, या अल्लाह माफ फरमा दीजिए, मुझे भी माफ फरमा दीजिए, हमारी सारी उम्मत को, सारी कौम को अपने फजल करम से माफ फरमा दीजिए। तौबा करे, इस्तिगफार करे, जिक्र की कसरत करे। अजीब बात है कि हम लोग बेचैनियों का भी इजहार करते हैं, इज़्तिराब का भी इजहार करते हैं कि ये ऐसे हालात में तबीयत बेचैन है, परेशान है, लेकिन उसी के साथ साथ गफलत का भी यह अलग कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू में जैसा रुजू की तरफ जिस तरह तवज्जो होनी चाहिए थी उस तवज्जो से गफलत है, अपने उन्हीं मशगलों में लगे हुए हैं, उन्हीं ख्यालों में लगे हुए हैं। तो अगर सारी कौम मिलकर अल्लाह तबारक व तआला से एक मरतबा मुतवज्जे हो जाए, ये पैगाम सबको फैलाने पहुंचाने की जरूरत है कि अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करो, चलते फिरते मांगते रहो अल्लाह ताला, चलते फिरते अल्लाह ताला का जिक्र करो, अल्लाहुम्मा ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, अल्लाह आपके अज़ाब से बचने का कोई और रास्ता सिवाय इसके नहीं है कि आप ही के दामन में पना लीजिए। ये अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ मारूज करो, तो कुछ फायदे मिलेगा।